सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और नए फोरम के बारे में। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे अपने गेम को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद गाइस आप लोग का जितना भी फ्रेंड है, ठीक है, सारा फ्रेंड गाइस आप लोग को यहाँ पे ऑफलाइन शो कर रहा है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। और गाइस आप लोग यहाँ पे कोई भी मैच को लगाते हो तो मैच आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, और आप लोग को यहाँ पे रिकनेक्टिंग लिख के भी आता होगा काफ़ी सारे लोगों, ठीक है। तो ये सब गाइस अभी गेम के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कैसे कर पाओगे ये मैं आपको आज की वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पहली बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ध्यान से फॉलो करा, देन आपका प्रॉब्लम 100% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना, फ्री फायर मैक्स को कुछ देर से दाब पे रखना, एंड आप लोग को यहाँ पे ऐप इन्फो लिख के आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐप इन्फो, ठीक है। इस टाइप से आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे क्लियर स्टोरेज मत करना, क्लियर कैश कर देना, ठीक है, क्लियर कैश कर देना। उसके बाद आपको बैक आना है, उसके बाद कैसे आप लोग को यहाँ पे मोबाइल डाटा एंड वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, और बैकग्राउंड डाटा को कुछ देर बंद कर देना, ठीक है, कम से कम 5 सेकंड के लिए बंद करना, फिर इसको ऑन कर लेना, ठीक है। ऑन करने के बाद आप लोग को बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद कैसे आप लोग क्या करना, अपने फ़ोन के अंदर गूगल क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है गेम कंसोल, ठीक है। इस टाइप से मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको भी सेम इसी टाइप से सर्च करना है गेम कंसोल। गेम कंसोल सर्च करते ही आपके सामने देखो एक वेबसाइट मिलेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेना, ठीक है। सर्च करने पे अगर आप लोग को ये वेबसाइट मिल जाता तो सही, अगर आपको सर्च करने पे नहीं मिलता है तो आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। सिंपल सबको लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। उसके बाद कैसे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे कैसे आप लोग को मिलेगा फॉलो का बटन, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना, फॉलो करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक BIT लिंक, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे गाइस आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने सेम वही वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिस वेबसाइट को आप लोगों ने सर्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक ओपन हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो, उसके बाद यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो लिंक ओपन होने के बाद आप लोग के सामने वही वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सिंपल आप लोग को ये वाला वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने देखो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जिस कारण से वेबसाइट यहाँ पे लेट से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से गाइस यहाँ पे वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे जो गाइस आप लोगों को खाली कॉलोनी की खाली जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को ऐड चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐड जो चलेगा, इस ऐड पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों को एक बार ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ देर वेट कर लेना, ठीक है। कुछ देर यहाँ पे वेट करने के बाद देखो यहाँ पे ऐड आ चुका है, तो आपको यही ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोग ऐड जैसे ओपन होगा आपको 5 सेकंड तक आप लोग को वहीं पर वेट करना है। उसके बाद आपको बैक आके वेबसाइट पर आना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे DNS लिख के सर्च करना है, DNS, ठीक है, इस तरह से लिख के सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे DNS लिख के सर्च करोगे आप लोग को यहाँ पे DNS का एक पोस्ट मिल जाएगा। DNS क्या है, ठीक है, इस वाले पोस्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे गाइस इस वाले पोस्ट पे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने देखो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। और ऊपर में देखो यहाँ पे भी ऐड चल रहा है, इस ऐड पे आपको एक बार क्लिक कर देना, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे जाकर वेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आना है, ठीक है। सबसे नीचे जैसे आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 30 सेकंड का टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो 30 सेकंड का टाइमिंग चल रहा है आप लोग को 30 सेकंड तक यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। आप लोग को 30 सेकंड तक यहाँ पे रुकना है, ठीक है। तो आप लोग को 30 सेकंड तक यहाँ पे रुकना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक DNS कोड मिलेगा, उस कोड को अपने फोन के अंदर लगाना है, ठीक है। तो फोन के अंदर DNS कोड को कैसे लगाना है वो भी आपको बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोग स्क्रीन पे देखो यहाँ पे हम लोग का टाइमिंग खत्म होने वाला है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। टाइमिंग खत्म होते ही गाइस आप लोगों के सामने एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे न्यू पेज ओपन होने के बाद आपको DNS कोड 1, DNS कोड 2 मिलेगा। आप लोग कोई सा भी एक कोड को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद गाइस आप लोग को अपने फोन का जो सेटिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, सेटिंग को ओपन करना, देन आप लोग को यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस आप लोग को सर्च करना है DNS, ठीक है। DNS सर्च कर लेना, प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपको DNS ऑफ मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करके आप लोग DNS यहाँ पे ऑन करना और कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। कोड को पेस्ट करके सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे कोड आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। कोड सेव होने के बाद आप लोग यहाँ पे एक बार फोन को ऑफ करके ऑन कर लेना, उसके बाद आप लोग फ्री फायर को यहाँ पे ओपन करना, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे दोबारा से फ्री फायर को ओपन करोगे तो गाइस आप लोग का जो फ्री फायर मैक्स है इजीली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का बंदा का ओपन नहीं हो रहा, तो आपका नेट का इशू होगा या फिर फ्री फायर का इशू होगा, जिस कारण से गाइस आप लोग का गेम यहाँ पे ओपन नहीं हो
हो रहा है। ठीक है, मेरा यहाँ पे नेट का इशू चल रहा है जो कि आप लोग में देख पा रहे हैं, नेट अच्छे से नहीं चल रहा है जिस कारण से गेम यहाँ पे लेट से ओपन हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग इतना चीज करोगे तो आपका प्रॉब्लम 100% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, गेम भी आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर देना, और गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो गाइस आज की इस वीडियो अंदर था मिले और वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, चेंज फंडे मातरम।